वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट 2024, पेपर वन एंड पेपर टू, एंड आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका पेपर बहुत पास आ चुका है, तो आई होप आपको अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए. और इस जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए ज्ञानस्थली आपके साथ है. 15th अक्टूबर तक आपके पास हमने एक फेस्टिव ऑफ़र लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए. इस फेस्टिव ऑफ़र में आपको, अगर आप पेपर वन के लिए कोर्स बाय करते हैं, तो आपको पेपर टू फ्री मिलेगा, एंड वाइस वर्सा. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर टू, आपको पेपर वन फ्री मिलेगा. तो इस फेस्टिवल ऑफ़र का भरपूर फ़ायदा उठाइए. अगर आप लोग इस ऑफ़र को लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आपके फेस्टिवल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे. ठीक है, तो ज्ञानस्थली पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की. हमारा बैच है प्रयास बैच, जिसमें हम लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं फॉर पेपर वन एंड पेपर टू एज वेल. प्रयास बैच में हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं. इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, EVS, एवरीथिंग वी आर कवरिंग, एंड बहुत कम पैसों में आपको ये बैच ऑफर किया जा रहा है. तो जितनी जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए. 15th अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू ज्वाइन दिस कोर्स. हम पढ़ रहे थे इंग्लिश पैडागॉजी. इंग्लिश पैडागॉजी इज रियली वेरी ईजी एज वेल एज इज गोइंग टू मेक यू सिक्योर गुड मार्क्स. तो पैडागॉजी में हमने जो फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था, इट वॉज लर्निंग एंड एक्विजिशन. लर्निंग एंड एक्विजिशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक्विजिशन का मीनिंग मैंने बताया था आपको, इसको एक कीवर्ड से याद कर सकते हो आप. कीवर्ड क्या क्या बताए थे आपको इसके, मैंने बताए थे एक्वायर बताया था एक, और एक बोला था मैंने आपको मदर टंग. जैसे हम मदर टंग को लर्न करते हैं, अपनी सीखते हैं, तो वही चीज़ जो है एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वही चीज़ है, क्या है एक्विजिशन. ठीक है, कोई चीज़ आपने कैसे ग्रास्प की, कैसे सीखी सबकॉन्शियसली, है ना. तो आई होप आपको ये जो टॉपिक समझ आया होगा. आज इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, और इसके अंदर अब हम देखेंगे जो हमारे जितने साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिनको आपने पढ़ा होगा पैडागॉजी के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी के अंदर, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सो माय टॉपिक फॉर टुडे इज़, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन. एक्विजिशन के बारे में तो आपको मैं बता चुकी हूँ, लर्निंग के बारे में भी आज उनकी कुछ थ्योरीज हम देखेंगे. ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम शॉम्स्की, जीन प्याजे. शॉम्स्की, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जो जीन प्याजे थे, उनका क्या कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के और एक्विजिशन को लेकर के. ठीक है, तो प्याजे ही वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट. ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये सब. ही वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ फिलोसफर ऑल्सो, एंड ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. ठीक है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. उनको और क्या बुलाया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का उनको फादर भी बोला जाता है. आई होप इनके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आपने अच्छे से पढ़े होंगे. अकॉर्डिंग टू प्याजे, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विद अडेप्टेशन. प्याजे के अकॉर्डिंग क्या था, बच्चा कैसे सीखता है, अडेप्टेशन के द्वारा. ठीक है, अडेप्टेशन के द्वारा बच्चा सीखता है. वन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. ये दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेडागोजी के लिए, आई होप आपने पढ़े हैं. एसिमिलेशन में आप क्या करते हैं, आप बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, आप उस इसके लिए एक न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं. और एकोमोडेशन में क्या होता है, कुछ चेंजेस करने के बाद न्यू नॉलेज को एक सेट नॉलेज में चेंज कर दिया जाता है. तो प्याजे का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये दो वर्ड्स आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे. और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा ही बच्चा चीज़ों को सीखता है. अकॉर्डिंग टू हिम, चाइल्ड कलेक्ट्स स्मॉल चंक्स और यूनिट ऑफ नॉलेज एंड मेक्स अ बिगर कॉन्सेप्ट. उनके हिसाब से क्या होता था, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, नॉलेज के छोटे छोटे चंक्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटी चीज़ें जो है, टुकड़े जो है, वो पहले वो सीखता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है, एंड मेक्स अ बिगर कॉन्सेप्ट, और फिर उसको लेकर के वो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाता है. ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स. और धीरे धीरे करके क्या करते हैं, पूरा जो उनका एक जो नॉलेज का जो एक वर्ल्ड है,
पूरी दुनिया का जो है एक वो विकास कर लेते हैं धीरे धीरे करके इन्हीं चंक्स को जोड़ करके, है ना। जैसे एग्जांपल ले सकते हो मम्मी का, तो सबसे पहले बच्चे को हम धीरे धीरे करके ये बताते हैं कि दैट इज़ योर मम्मा, है ना। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में धीरे धीरे करके ये चीज़ें आने लगती हैं कि मुझे अगर कुछ भी खाने के लिए चाहिए, मिल्क चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे किसके पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। हाथ धोने हैं तो मम्मी के पास जाना है, पानी पीना है तो मम्मी के पास जाना है। मतलब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन पूरी कर रहा है, मम्मी पूरी कर रही है ना। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, समझेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसका जो एक पूरी नॉलेज का जो पूरी दुनिया है वो डेवलप यहाँ पर हो जाती है। तो जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है नोएम चॉम्स्की का, ठीक है। उन्होंने इस बारे में क्या किया कहा था, ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली लैंग्वेज के लिए काम करते थे वो, एक फिलोसोफर थे और कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, मानसिक, है ना, दिमाग से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। डोमेन्स पढ़े होंगे आपने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव क्या होता है, दिमाग से जुड़ा होता है, हेड, है ना। साइकोमोटर किससे जुड़ा होता है, हैंड से, मतलब जो चीज़ आप करते हो। और अफेक्टिव किससे जुड़ा होता है, इमोशंस। तो तीन डोमेन्स हैं आपके पास। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके लिए किसने काम किया था, नोएम चॉम्स्की जी ने। ही वॉज अ हिस्टोरियन एज वेल एंड अ सोशल क्रिटिक। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रेन आर बॉर्न विद इननेट क्वालिटीज़ टू लर्न लैंग्वेज, ठीक है। देखो इनकी क्या फिलॉसफी थी, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं इननेट क्वालिटीज़। इननेट का मतलब होता है जो चीज़ आपके अंदर पहले से ही विराजमान है, पहले से ही बसी हुई है, ठीक है, मतलब आपकी कुदरती वो चीज़ आपको मिली हुई है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद इननेट क्वालिटीज़ टू लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने के लिए उनके अंदर कुदरती कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। बोलते हैं ना इसके जीन्स में ही है ये चीज़, तो जीन्स में तो कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ इननेट क्वालिटीज़ होती हैं जो जिनसे कि वो लैंग्वेज को सीख पाता है। क्योंकि लैंग्वेज को सीख पाना एक थोड़ा आश्चर्यचकित ही होता है, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ सिर्फ वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, थोड़ा थोड़ा हम उसे सिखाते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरा ही बोलने लग जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ तो है जो क्वालिटी ब्लेस्ड है। ही स्टेटेड दैट एवरी पर्सन हैव एलईडी, उसने बोला हर पर्सन के पास क्या होता है, एलईडी होती है। एलईडी क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब उसके अंदर ये चीज़ एक डिवाइस है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को एक्वायर कर पाता है। कहाँ पर है ये डिवाइस, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान रखोगे, इनसे क्वेश्चंस इजीली बन सकता है कि एलईडी के बारे में किसने बात की थी। तो एलईडी के बारे में, एलईडी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चिल्ड्रन लर्न ओनली वोकैबलरी, जो बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या सीखता है, वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब शब्दकोश, कुछ ही नए वर्ड्स वो हमेशा सीखता रहता है। एंड एलईडी अप्लाइज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंसेस, तो जो डिवाइस है जो उसके ब्रेन के अंदर फिटेड है, वो जो डिवाइस है वो जो है हेल्प करती है, क्या करती है, जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको बनाने के लिए हेल्प करती है। और धीरे धीरे करके वो क्या करता है, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में चेंज कर देता है। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कोई एक मशीन है, इसमें आपने आलू डाले तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, चिप्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वोकैबलरी बन गई ब्रेन के अंदर, ये यहाँ पर लगी हुई है एक मशीन हमारे दिमाग में जिसको उसने बोला एलईडी। आप यहाँ से क्या डाल रहे हो, आप यहाँ से डाल रहे हो वर्ड्स। अब एलईडी क्या करेगा, उन वर्ड्स को जोड़ेगा, उनका मीनिंग निकालेगा, बच्चे के दिमाग में उसका मीनिंग सेट करेगा, और यहाँ से क्या निकल करके आएंगे, यहाँ से आएंगे सेंटेंसेस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द ब्रेन फंक्शंस एज पर नोएम चॉम्स्की, उनके हिसाब से। ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन ओनली, उन्होंने ऐसा बोला कि जो बच्चे होते हैं सिर्फ इमिटेशन के द्वारा ही नहीं सीख पाते हैं। इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना,
सिर्फ कॉपी करने से बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है, कुछ तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ है जिससे वो चीज़ों को समझ पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। और उसको उसने किस क्या बोला, LAD बोला, ठीक है। तो अभी किसका पढ़ा हमने, पढ़ा था इस यहाँ पर हमने प्याजे का, ठीक है। प्याजे ने क्या बोला था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इस पर अलग से हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रही थी शॉम्स्की जी की, तो शॉम्स्की जी ने जो बोला ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके भी कीवर्ड्स बना करके आप याद करोगे, इनका क्या कीवर्ड आप ध्यान रख लो, LAD, है ना, ऐसे समझ लो। उन्होंने मशीन वाली बात किसने की, शॉम्स्की ने। तो पढ़ना तो है ही, साथ के साथ कीवर्ड्स के साथ उसको ध्यान में भी रखना है। शॉम्स्की हो गया, प्याजी हो गया, अब आते हैं हम वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारे आप पढ़ चुके होंगे, साइकोलॉजिस्ट बीएड में भी आपने पढ़ा होगा। तो वाइगोत्स्की जी ने क्या कॉन्सेप्ट बोला था, जब वाइगोत्स्की का नाम आता है तो उसके साथ दो तीन वर्ड्स आते हैं, एक आता है ZPD और एक आता है MKO। ZPD क्या होता है, ZPD इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पर बच्चे का प्रॉक्सिमल मतलब एक उपयुक्त मात्रा में, एक प्रॉपर अमाउंट में जो है उसका विकास होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन वॉट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है आपको एक डिफरेंस दिखाएगा, किस चीज़ में डिफरेंस दिखाएगा, जो कि एक बच्चा अचीव कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की मदद के जो बच्चा कुछ सीख सकता है। एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस, और दूसरा क्या है, किसी के गाइडेंस से। तो वो जो गाइडेंस है जो उसको मिल रहा है या जो एनकरेजमेंट मिल रहा है, किससे, फ्रॉम ए स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें उसको आती हैं, उस पर्सन को क्या बोला जाता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ठीक है। MKO का बस कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, MKO इज मोर नॉलेजेबल अदर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या करता है, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है जो व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, एक चीज़ तो ये है, क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख पा रहा है खुद से, अपने आप से। और दूसरा क्या है, यहाँ पर उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, MKO, MKO इज मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ में आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, है ना, मोर स्किल्ड होगा यहाँ पर, स्किल्ड पर्सन होगा जो। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने ये ऐसा माना था, या ऐसा होता भी है, उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ एक नाम दे दिया, रियलिटी में भी तो यही चीज़ होती है। सपोज़ आप कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हो, है ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद से सीखोगे इंडिपेंडेंटली, लेकिन आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी उसने उस चीज़ को सीखा हुआ है, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छे से लिखता है और उसने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी जीते हुए हैं। तो आप उसके पास अगर जाओगे तो आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट एनहांसेस द वे अ पर्सन कैन प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक, आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने CTET क्लियर किया हुआ है 2 बार, तो मेरे लिए आपको बहुत आसान है चीज़ों को समझाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो चीज़ की हुई है। ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, उनका ही ऐसा मानना था। देखो लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो क्या बोला उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड, ही बिलीव्ड, ऐसा मानते थे दैट लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, जो लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप होती है, सोशल इंट्रैक्शन के द्वारा, मतलब आप किसी से जब बातचीत करते हो, मिलते जुलते हो, तब हमारी लैंग्वेज जो है डेवलप हो जाती है। लैंग्वेज प्लेज एन एमिनेंट रोल इन अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। मानसिक विकास में लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा रोल तो उसी का ही है, वही तो थॉट्स को एक रूप दे रहा है, है ना, थॉट्स को जो रूप दे रहा है कौन दे रहा है, लैंग्वेज दे रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी प्रकार होगा। एक और वर्ड आता है वाइगोत्स्की के जो थियरी है उसके अंदर, दैट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स MKO या फिर ZPD ऑफ द टास्क आर इनिशियली बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी।
टेम्प्रेरी सपोर्ट इन लर्निंग इज गिवन बाय एडल्ट्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब मैं आपको आसान भाषा में अगर बताऊं तो इसका मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म हम बच्चे को तैयार करके दे देते हैं. जैसे सपोज अगर हम उसको एडिशन सिखा रहे हैं मैथ्स में, अगर एडिशन सिखा रहे हैं तो हम उसको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, हम दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे. तो हमने क्या करा है यहाँ पर, उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, उसके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें हमने कुछ डाल दी और फिर हमने उसके बाद उसे चार पांच क्वेश्चंस करने के लिए दे दिए. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्प्रेरी सपोर्ट किया इन क्वेश्चंस को उसे करके दिखा करके, है ना. तो जो एम के ओ है, जेड पी डी जो है, ये कैपेसिटी से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट दोगे तो उसके बाद बच्चा खुद से चीज़ों को करने लग जाता है. ठीक है, जैसे कि इसी का ही कर्सिव राइटिंग का एग्जांपल थोड़ा सा और प्रिसाइसली इफ आई एक्सप्लेन, तो आप कर्सिव राइटिंग वो खुद से सीख रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज होगा कैसे करना है, क्या करना है, पता नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी उस चीज़ में बहुत स्किल्ड है वो उसको आकर के सीधे सीधे चीज़ें बताएगा और थोड़ा सा उसको सपोर्ट देगा. वो जो सपोर्ट देगा, टेम्प्रेरी सपोर्ट, तो उससे क्या होगा, उसको स्कैफोल्डिंग प्राप्त होगी, उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखने लगेगा. ठीक है, ही गेव थ्रस्ट अपॉन पेयर लर्निंग. थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज करना, ऑन पेयर लर्निंग. पेयर लर्निंग मतलब आपस में, पेयर्स जो होते हैं जिनके साथ में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके साथ में जो है हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं, एज वेल एज कोलैबोरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेटिव लर्निंग में आई होप आपने पढ़ा होगा पेडागॉजी में, कोलैबोरेटिंग लर्निंग मतलब आप टीम टीचिंग, टीम लर्निंग करते हैं यहाँ पर, है ना, टीम लर्निंग करते हैं जब आप साथ में पढ़ते हैं. जैसे स्कूल में क्लासेस में ग्रुप्स बना करके आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती हैं, तो दैट इज़ ओनली कोलैबोरेटिव लर्निंग. ठीक है, तो आई होप आज वाइगोत्स्की के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे. चलो अब इस पर आते हैं, अब बात करते हैं किसके कॉन्सेप्ट की, बीएफ स्किनर के कॉन्सेप्ट की. जब स्किनर का नाम आता है तो उनके साथ साथ एक वर्ड और आता है, क्या, रीइंफोर्समेंट, है ना. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी आपने, रीइंफोर्समेंट. तो रीइंफोर्समेंट बस यहीं पे एक वर्ड के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है. रीइंफोर्समेंट मतलब आपका जो बच्चे का बिहेवियर है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट देंगे, और अगर आप उसको, उसके बिहेवियर को घटाना चाहते हैं तो आप उसे नेगेटिव इन्फोर्समेंट दोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट. तो बच्चा जैसे बोलना सीख रहा है, अगर लैंग्वेज को वो एक्वायर कर रहा है, तो अगर वो ठीक बोल रहा है तो उसको वेरी गुड, हाँ आप अच्छा बोल रहे हो. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बचपन में तू से बोलने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, उसे करेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उसको बार बार रिवॉर्ड दे करके, क्लैपिंग करके, उसके लिए मोटिवेट करके. तो उसे हम तू से कहाँ ले आते हैं, तुम पर ले आते हैं या फिर आप पर ले आते हैं. तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है उसके अंदर चेंजेस हम कर पाते हैं. अगर आप उसे टोकोगे ही नहीं, होते हैं ना कुछ बच्चे जो बड़े तक भी हो जाते हैं तब भी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, वाई, क्योंकि उनको वहाँ पर उस टाइम पर चेंज करने के लिए नहीं बोला गया, इम्प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं की गई, दैट इज़ द ओनली रीज़न. नाउ बी एफ स्किनर वी आर टॉकिंग अबाउट, ही प्रोपाउंडेड ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी थी. स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स. ठीक है, जब वो वर्ड्स को मीनिंग के साथ रिलेट करता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करता है, या धीरे धीरे उसकी जो लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो उसमें आप जो, अगर जो भी रीइंफोर्समेंट दोगे उसको, तो उसी के द्वारा बच्चा क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज को सीख पाएगा. ही बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इज टू लुक एट द कॉजेज ऑफ एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसा वो मानते थे कि जो सबसे बेस्ट तरीका है किसी के बिहेवियर को समझने का, वो क्या है, जो कॉजेज हैं उनके एक्शन को, उनको देखना, और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके बारे में जानना. कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट. ठीक है, तो ये हुआ बी एफ स्किनर का कॉन्सेप्ट. तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारी बातें की लैंग्वेज से रिलेटेड. सबसे पहले हमने पढ़ा जीन पियाजे जी के बारे में. तो जीन पियाजे ने बात की थी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की. ओके, ही नेक्स्ट हमने पढ़ा शॉम्स्की के बारे में. शॉम्स्की ने किसकी बात की थी, एलएडी की. ठीक है, और लास्टली, नॉट लास्टली, वाइगोत्स्की. वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है. ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, तीन कीवर्ड्स हैं इसके, ये आपको ध्यान रखने हैं.
और जो ये लास्ट वाला है स्किनर, स्किनर के लिए क्या याद करना है, रीइन्फोर्समेंट। देखो आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको नोट्स बना करके पढ़ना है, ऑब्वियसली नोट्स ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है आप बैठ के कॉपी नहीं करोगे उसको। जो चीज़ आपको आती है वो तो ऑब्वियसली आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड्स लिखेंगे हम, ठीक है। नोट्स आपके जितने प्रिसाइज होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप स्मूथली चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरी की पूरी कॉपी उठा करके पूरे पूरे पेजेस पढ़ो। तो आपके पास अगर कीवर्ड्स लिखे रहेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। जैसे कि प्याजे की बात करी हमने, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको किसके बारे में बात की, प्याजे के बारे में। प्याजे के बारे में मैंने क्या बोला आपको, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। है ना। दूसरे किसकी बात की हमने, शॉम्स्की। है ना, शॉम्स्की का क्या कीवर्ड बताया मैंने आपको, एलईडी। शॉम्स्की का कीवर्ड था एलईडी, लिख लो यहाँ पे। एलईडी अगर भूल गए तो फिर क्या ही समझ में आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। फिर तीसरी किसकी बात की हमने, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के लिए क्या क्या पढ़ा, ZPD, यहाँ आप लिख लेंगे फुल फॉर्म, MKO, और एक और वर्ड इसके साथ साथ, स्कैफोल्डिंग। देखो सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने बात की थी, है ना। उनके हिसाब से उनका लैंग्वेज का क्या परसेप्शन, उनके हिसाब से लैंग्वेज की ये क्या उनका परसेप्शन था, क्या उनका कॉन्सेप्ट था, तो क्या था, थ्रू सोशल इंट्रैक्शन। और लास्टली हमने बात की स्किनर की, स्किनर के कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आई होप आप इस सारे इन चार लाइन के अंदर ही सब कुछ आ गया है। अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आपको, जो पियाजे ने एक और चीज़ बोली थी, थोड़ा सा इसको एक चीज़ और देख लेते हैं। हाँ इन्होंने एक वर्ड और यूज़ किया था, वो था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जैसे कि आप पढ़ते हो साइंस में तो कोई भी मैटर जो होता है वो किससे बनता है, एटम से। बायोलॉजी आप पढ़ते हो, जैसे हम पढ़ते हैं मैटर के, तो वो उसमें आ गया एटम, है ना। बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। ऐसे ही जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी मेमोरी बनती है किसी भी चीज़ को लेकर के, जो हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है जिसके द्वारा सबसे पहले तो थॉट्स ही बनेंगे ना, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसको बोला जाता है स्कीमा। जैसे आपका रूम है, इस रूम में रखने के लिए चीज़ों को जगह बनी हुई है ना, कि यहाँ पे हम क्या है, हमारा बेड है और बेड के पास यहाँ एक अलमीरा है, इसी में ही हम अपने कपड़े रखेंगे, यहाँ पे एक टेबल है, यहीं पे आप अपना फ़ोन लग रखते हो, अपना चार्जर रखते हो, यहीं पे आपका ईयरपॉड रखा रहता है, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल पे भी हम जगह बना करके रखते हैं, यहाँ पर मेरे पेन रहेंगे, यहाँ पर पेंसिल रहेगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपने जगह को एलोकेट कर दिया, है ना, कि मेरी ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, ब्रेन में भी चीज़ों को फीड किया जाता है किसके द्वारा, स्कीमा के द्वारा। तो जो आपका स्कीमा, जैसे नई नॉलेज है, बच्चे ने एक गाय, एक जानवर देखा जिसके चार पैर थे, है ना, एक पूंछ थी, तो आपने उस, जैसे उसने देखा तो आपने बोला कि ये काऊ है बेटा, दिस इज काऊ। फिर उसने क्या किया, उसने काऊ के बाद फिर उसने हॉर्स देखा, उसके भी तो चार पैर ही होते हैं, है ना, और उसकी भी एक पूछ होती है, तो उसने बोला कि मामा काओ, तो आप क्या करोगे, उसे करेक्ट करोगे कि नहीं 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 ये काओ नहीं है, ये क्या है, हॉर्स है। अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। आपने क्या करा, जो स्कीमा था आपने उसको चेंज कर दिया, स्कीमा को चेंज किया, आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि जितने भी सबके चार पैर होंगे पूछोगे तो सबको काओ बोलेंगे, कुछ और भी फीचर्स हैं जिनको देख करके हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये हॉर्स है। तो यहाँ पे जब आपने नॉलेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, किसी को ही बोल देते हैं एकोमोडेशन, और यहाँ पर जब नई नॉलेज उसके दिमाग में डाली गई उसे बोल देते हैं एसिमिलेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ा दी, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अच्छे से तैयारी करिए अपनी, वीडियो को आप पसंद आई आपको तो ज़रूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट द रेगुलर अपडेट्स एंड द वीडियोज़ दैट वी हैव बीन मेकिंग, एज वेल एज़ प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।